हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं कल्याणी फिर से लेके आई हूँ एक नया वीडियो। मैं लेके आई हूँ करेला, तरीदार करेला। सबने तो सूखा सूखा करेला बहुत बनाए, बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं ये एक नई तरीके से बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये तरीदार करेला चिकन को भी फेल कर देता है। और फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाय फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ करेला। मैं 6-7 पीस करेला लिया, उसको बीच में से काट के उसके अंदर का बीज सारा निकाल के फिर इसमें नमक डाल के 3 घंटा नमक मिला के रख दिया। अब जो अंदर का जो बीज है उसको मैं एक मिक्सी के जार में डाल के ये भी धो लेना है। धो के मिक्सी के जार में डाल के देखिए थोड़ा हरा मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाल के पीस लिया। अब मैं गैस में कढ़ाई चढ़ाई एक 1 टेबल स्पून तेल लिया है, सरसों का तेल डाली हूँ मैं इसमें, और एक बड़ा कटा हुआ प्याज डाल दिया, डाल के जो मैंने पीसी थी बैटर वो डाल दिया। डाल के अब इसमें नमक डाल दिया, इसको सूखा भूनना है, बिल्कुल ड्राई करके भूनना है। अब देखिए करेले में जो नमक मिला के रखी थी उसको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है। देखिए कैसे कपड़ा जैसा मुलायम हो जाएगा करेला, ऐसे बनाना है। देखिए ऐसे करके पूरा निचोड़ना है, नमक मिला के रखी थी ऐसे ही, इसीलिए बहुत मुलायम सा हो गया। अब देखिए करेले को अच्छी तरह से धोना है, कम से कम 2-3 बार धोना है, नमक पानी निकल जाए, और पूरा निचोड़ के निकालना है। देखिए कम से कम 2-3 बार धो लीजिएगा। देखिए मेरा करेला धुल गया। अब मैं जो उसके अंदर का बीज में फ्राई करके रखी हूँ जो बैटर, उसके अंदर डाल दूंगी। डाल के देखिए ऐसे करके सारे करेले में भर लूंगी। अब देखिए एक धागा लिया मैंने, धागे से इसको बांध दिया। इसको बांधने का मतलब यही है, अंदर जो मैंने बैटर डाली हूँ तेल में भूनने के, ये ज़्यादा तेल में फ्राई करना है। ये ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे तो सारा अंदर वाला निकल जाएगा, खुला रहेगा, तो इसलिए धागे से बांध दिया मैंने। अब देखिए करेला बांधा हुआ करेला मैंने डाल दिया ज़्यादा करके, तेल भी गर्म हो गया मेरा। ये देखिए ऐसे करके मुझे फ्राई करना है, बीच में पलटना भी है, कम से कम 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए हो गया, मैं निकाल ले रही हूँ, अभी मैंने निकाल लिया। मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल लिया, उसमें 3 बड़ा कटा हुआ प्याज लिया और लहसुन लिया, लहसुन की कलियाँ छोटा छोटा टुकड़ा काट के लिया, और 2 हरी मिर्ची लिया। ये प्याज ब्राउन हो जाए, लहसुन प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ये घर में भी पीस के डाल सकते हैं, मेरे पास ये रेडीमेड था इसलिए डाल दी। देखिए अच्छी तरह से भून के थोड़ी देर बाद कटा हुआ 3 टमाटर मैंने डाल दिया, और देखिए अच्छी तरह से भूनना है इसको, टमाटर के भी पूरा गलाना है। टमाटर गलाने के लिए मैं नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी मिर्ची पाउडर, ये हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से भूनना है। टमाटर भी बॉईल करना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए अब टमाटर भी मेरा गल गया। अब मैं इसमें एवरेज चिकन मसाला डाल रही हूँ, ये भी बहुत इसका टेस्ट बढ़ाता है। अब अच्छा से भूनने के बाद थोड़ा पानी डाल दिया, 2 कटोरी पानी डाल दिया। ये बहुत अच्छी तरह से उबाल लूँगी पानी को। देखिए अब जो करेले में मैंने धागा बांधी थी वो धागा वो निकाल लेना है मुझे अभी ये तरी में डालेंगे।
ये देखिए तरी में डाल दिया मैंने करेला, इसको अच्छी तरह से बॉईल करके बन गया मेरा करेला।